Hey guys, welcome back to beamom family. और आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि हमारे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं. ये सिर्फ आप लोगों का सपोर्ट, आपका लव, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया, प्यार दिया इतना सारा, इवन बहुत सारे लवली कमेंट, मोटिवेशनल कमेंट्स जो आप लोगों ने किए कि मैम इस तरीके की वीडियो हम सर्च कर रहे थे. एक्चुअल में मैंने ये जो स्टार्ट किया है चैनल चाइल्ड केयर में, पेरेंटिंग में, प्रेगनेंसी में क्या क्या चेंजेस आते हैं, चाइल्ड केयर को मतलब क्या क्या स्टेप हमको फॉलो करने होते हैं और कौन कौन सी चीज़ों का खासकर बच्चों के लिए ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है. जो चीज़ मैंने इनिशियल फेज में फेस की तो मैं चाहती थी उस चीज़ को थोड़ा सा आप लोगों के लिए स्मूथ बना दिया जाए, ताकि जो आप लोगों को जब आप प्रेगनेंसी फेज में हो या फिर आप पेरेंटिंग फेज में हो या फिर आप अपने छोटे से एक बेबी की मदर हो या फादर हो, तो वो थोड़ा सा आप लोगों के लिए इजी हो जाए. तो ये एक मेरा मोटिव था इस चैनल को स्टार्ट करने का. वेल, मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि आप लोग इतनी जल्दी हम लोग 1000 सब्सक्राइबर को कंप्लीट कर पाएंगे, लेकिन ये सिर्फ आप लोगों का सपोर्ट है, आप लोगों का प्यार है. इसी तरीके से आप अपना सपोर्ट, अपना प्यार बनाए रखें ताकि हम जो चीज़ें मैं फेस की हैं, मतलब जो चीज़ें इनिशियल फेज में मुझे मतलब समझने में थोड़ा सा वक्त लगा, वो आपको सारी चीज़ें पहले से पता लग जाए. तो मेरी जो वीडियोस होती हैं टोटली पेरेंटिंग पे होती हैं, चाइल्ड केयर पे होती हैं या फिर हमारा प्रेगनेंसी पे, जिसमें वीक टू वीक प्रेगनेंसी है. चाइल्ड केयर में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, पेरेंटिंग में बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमको एज अ पेरेंट ध्यान रखना अपने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है. वेल, हमने केक सेरेमनी की है, 1000 सब्सक्राइबर पे एक केक कट किया है और मैं सोच रही हूँ एक प्लांट को लगाने का, कि जब वो धीरे धीरे जैसे वो बड़ा होगा उसी तरीके से हमारा चैनल भी ग्रो होगा आप लोगों के प्यार से, आप लोगों के सपोर्ट से. जो मेरे लिए बहुत मतलब अहम है ये चीज़ कि हम लोगों ने ये चैनल स्टार्ट किया है, क्योंकि मैं भी कुछ मतलब सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहती थी, बहुत कुछ सोचा है, वो कभी आगे मैं आपसे शेयर करूंगी, जरूर शेयर करूंगी. वेल, बस बिजनेस जैसे मैम ने आपको बोला था कि मैं एक प्लांट लगाने वाली हूँ, तो यहाँ फ़िलहाल मैंने एक नारंगी का पेड़ लिया है और मैं इसको लगाऊंगी. और मैंने ये सोचा था कि जब मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मैं इसको मतलब ट्री को लगाऊंगी. और आगे भी मेरी कोशिश रहेगी कि मैं बहुत सारे प्लांट्स लगाती रहूँ. अगर आपका ऐसे ही सपोर्ट, आपका लव रहा, तो आप ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें. इस ट्रिप के काफ़ी सारे मोमेंट मैंने कैच किए हैं, आई होप आपको बहुत पसंद आएंगे. अगर आएँ तो लाइक ज़रूर करिएगा. Say hi, Ume. Hi. Hi. So cute. You're so cute. Love you, Ume. Hi, Apple. Love you. Say hi. 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 Wow. हमारा होटल माल रोड के पास ही था, बिल्कुल मतलब सटा हुआ ही था, और वहीं से ये सारा झील का नज़ारा है और ये बहुत खूबसूरत नज़ारा. डक्स हैं यहाँ पर, फिश हैं, बहुत अच्छा लग रहा था. ये व्यू मैं आपको दिखाना चाहती थी. बहुत एंजॉय किया हमने, बहुत मस्ती की. ये यहाँ स्टेडियम है, यहाँ मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी. यहाँ एक साइड चर्च है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है और बिल्कुल पास में ही मंदिर भी है. मतलब सारी चीज़ें एक जगह मैंने फ़र्स्ट टाइम यहाँ पर देखी. और ये मार्केट है यहाँ पे, मतलब स्ट्रीट मार्केट है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं, काफ़ी कुछ है लेने के लिए, बट माना जाता है कि कॉस्टली होता है.
वेल मैंने फिलहाल यहाँ से कुछ नहीं लिया, हमने कुछ कैंडल्स ली थी। ये मार्केट है पूरा, यहाँ अगर आप चाहें तो काफी शॉपिंग कर सकते हो। काफी बड़ा मार्केट है यहाँ पे। ये मेरी बेबी ने बहुत एंजॉय किया, उसने बहुत मजा आया उसको। बहुत कुछ है बच्चों के लिए यहाँ पे खेलने के लिए, आगे मैं दिखाती रहूंगी। ये आप देखिए, ये बुल है, बहुत ज़्यादा स्पीड से चलता है और अक्सर यहाँ पे इस पर लोग गिरते हैं। वेल मैंने इसको ट्राई नहीं किया था, ये मेरे बेबी को ट्रेन बहुत पसंद आई। यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं खेलने के लिए, दिखाती चलूँगी मैं आपको। कार में मेरे बच्चे को बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। वेल मुझे भी मज़ा आ रहा था क्योंकि मुझे उसके साथ बैठने को मिला था, वो अकेला नहीं राइड कर सकता था। मतलब एडवेंचरस चीज़ें भी काफ़ी थी, किसी को इस चीज़ में मज़ा आता है। ये रोप वे है, इसमें भी बहुत मज़ा आता है। हम लोग ट्रॉली पे नहीं जा पाए थे क्योंकि जब हम वहाँ पे पहुँचे थे तो टाइम अप हो गया था। ये बिल्कुल पीक पे जहाँ से माउंटेन व्यू दिखता है, ठीक है, वहाँ पे एक शॉप है। ये इसमें बहुत सारा मतलब वुड्स का सामान है, बहुत कुछ है, अगर आपको कभी जाएं तो ज़रूर देखिएगा। ये रात का नज़ारा है, बहुत ही खूबसूरत होता है ये। मतलब शूट किया था मैंने, कुछ अटेम्प्ट्स मेरे 12 अटेम्प्ट्स मिले थे। तो ये यहाँ पे देखिए बहुत सारी प्लास्टिक की बॉटल हैं, वो हिल भी रही थी, कुछ अटेम्प्ट्स मेरे वहीं गए, बट लास्ट में मैंने 3 अटेम्प्ट जो थे मेरे, मैंने हिट किया बॉटल को। हम लोग ज़ू गए थे, वहाँ पे कोई भी टैक्सी अलाउड नहीं होती है, मतलब जो ऑथराइज्ड टैक्सी होती हैं इंडियन गवर्नमेंट की, वही आप ले जा सकते हैं। उसका कुछ रेंट होता है, वही हम लेकर गए थे। ये नैनीताल ज़ू का काफ़ी मुश्किल होता है ऊपर तक जाना। वेल हम लोग पीक तक गए थे, ये आप देख सकते हो, बहुत अच्छा लगा हमको यहाँ पर घूम के। मतलब ये लग रहा था कि कैसे ऊपर चढ़ेंगे, इतना मुश्किल हो रहा था, हम लोग थक चुके थे बिल्कुल। लियोपॉड बहुत सेफ्टी भी है यहाँ पर, मतलब ये लास्ट पॉइंट था ऊपर हम लोग गए थे। बहुत सारे लोग यहाँ पे उनको खिला रहे थे, ये भी लियोपॉड है। ये आते हैं टाइगर, इसकी डबल सेफ्टी है, मतलब एक बार आप देख रहे हो उसके अंदर टाइगर टाइगर, मतलब वहाँ पे भी अलग सेफ्टी की गई है। ऐसा लग रहा था बड़ा गुस्सा है, हम लोग तो वापस आ गए थे फटाफट।
ये हम लोग गए थे रामनगर, वहाँ पे हम लोग ने जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क वहाँ गए थे। बहुत ही बड़ा एरिया है, लगभग हमको 2 घंटे लग गए थे जीप में। बड़ा मन होता था मेरे जीप में जाने का। ये वहाँ का एरिया है, यहाँ पे हमारी थोड़ी देर के लिए कार रुकी थी, जीप रुकी थी क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो गई थी उसमें। लग रहा था कहीं साइड से कुछ आ ना जाए, वेल ऐसा कुछ हुआ नहीं हमको। ज़्यादा यहाँ हमको कोई एनिमल मिला नहीं फ़िलहाल, हमने कुछ नहीं कोई एनिमल नहीं देखा। स्टार्टिंग पॉइंट पे कुछ देखा था, वेल क्लियरली नहीं था। ये तो था हमारा व्लॉग, आई होप आपको पसंद आया हो। अगर आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखें।